हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोग को मुगल कालीन चित्रकला में हुमायूं के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं जिनका समय है 1530 से 1556 ईस्वी। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। हुमायूं की माता का नाम था महम बेगम। दोस्तों आप याद रखें बाबर की माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था, लेकिन कहीं कहीं पे वहाँ पे मही बेगम भी देता है, लेकिन यहाँ हुमायूं की माता का नाम क्या है? महम बेगम। बाबर के चारों पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल में सबसे बड़ा था हुमायूं। बाबर के चार पुत्र थे जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन। ये काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था इसलिए वह सातों दिन सात रंग के कपड़े पहनता था? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़ता रहा और हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी? नेल पुल ने कहा था। ईरानी चित्रकार अब्दुस समद सीराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? हुमायूं ने। हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ईरान, फारस के, जो ख्वाजा अब्दुल समद और सीराजी ख्वाजा अब्दुल समद सीराजी तथा मीर सैयद अली जुदाई, ये दोनों चित्रकार जो थे ये फारस से हुमायूं के दरबार में आए थे। किसने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? हुमायूं। दिल्ली में दीन पनाह नगर, विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण किसने किया था? हुमायूं ने। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया? किलाए कोहना। हुमायूं भारत की गद्दी पर कब बैठा? 29 दिसंबर 1530 में। कौन सा बादशाह जो युद्ध में जाते समय अपने पास सचित्र पोथी रखता था? हुमायूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हुमायूं नामा में कितने चित्र और कितनी शायरियां हैं? 1400, 1400। दास्तान ए अमीर हमजा की चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई और किसके समय में खत्म हुई? दास्तान ए अमीर हमजा की जो चित्रकारी है वो हुमायूं ने शुरू करवाया था और अकबर के समय में वह खत्म हुई थी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके संरक्षण में हुआ था? ख्वाजा अब्दुल समद सीराजी। हमजा नामा किस पर चित्रित है? कपड़े पर, सूती वस्त्र पर यह चित्रित है। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सीराजी की मुलाकात हुमायूं से कहाँ हुई थी? काबुल से लौटते समय तबरेज नामक स्थान पर। हुमायूं तथा अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे ली? ख्वाजा अब्दुल समद सीराजी से। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 26 जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस तरह से हमने हुमायूं के बारे में बता दिया है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों मैं इसी प्रकार से एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सबके लिए विजुअल आर्ट से संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।